वेलकम टू दिलासा एकेडमी। मुझे कहते हैं हारून दिलासा। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रेनन मार्टिन के लेक्चर्स। रेनन मार्टिन एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट किताब है जो कि आपके बेसिक ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर को बेहतरीन कर देगी। आप मैट्रिक में हैं, एफएससी में हैं, बीएमएस कर रहे हैं, सीएसएस कर रहे हैं, आईएएस कर रहे हैं या कोई भी जॉब के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक आपकी अंग्रेजी के सेक्शन को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगी। हर साल एफपीएससी एक रिपोर्ट शाया करती है जिसमें वो कहते हैं कि अंग्रेजी का जो पेपर होता है वो फेल इसलिए होता है कि कैंडिडेट्स बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की मिस्टेक्स और बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनका एसे और पीएससी का पेपर फेल हो जाता है। और ये किताब आपके एसे और आपके पीएससी के पेपर में बहुत हेल्पफुल होगी जब आप सेंटेंस लिखना होगा। आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कीजिएगा। आज चैप्टर वन और चैप्टर टू करूंगा और इसके साथ साथ सारी बुक के लेक्चर्स आपके लिए मैंने कंपाइल किए हैं। और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पास बुक नहीं है, ये जो लेक्चर्स मैंने कंपाइल किए हैं ये वर्ड टू वर्ड कंपाइल किए हैं और सिर्फ इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए। और रिक्वेस्ट यही है कि आप एक पेन और पेपर ले लें और इन चीजों को लिखना शुरू कर दें। जब आप इन चीजों को लिखेंगे, इनको रिवाइज करेंगे, तो ये बेहतरीन हो जाएगा और फिर आपको कभी भूलेगा नहीं। चैप्टर वन, सेंटेंस। दुनिया में बहुत सी जबानें हैं और हर एक जबान के लफ्ज होते हैं। जब वो लफ्ज को हम एक तरतीब देते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको अरेंज करते हैं, तो सेंटेंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कह दूं कि मैं सो रहा हूं या मैं खेल रहा हूं, तो एक सेंस बनता है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि पहाड़, समुंदर, चिड़िया, तितली, तो ये एक सेंस नहीं बनता। तो सेंटेंस क्या चीज होती है? सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कि वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो कि आपको कंप्लीट सेंस दे, उसको सेंटेंस कहते हैं। अब यहां पर ई डॉट जी डॉट लिखा हुआ है, ये जहां पर भी लिखा होगा इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर। और हाँ, अगर आप बिगनर भी हैं, अगर आपको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती और आप इन लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, तो बिलीव मी एट द एंड ऑफ दिस बुक आप जमीन से आसमान पर चले जाएंगे। आपका ग्रामर इंप्रूव हो जाएगा, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाएगा, आपके पास बहुत ही ज्यादा मिकदार में वोकैब आ जाएगी। सो जब भी मैं पढ़ाऊं तो पेन एंड पेपर साथ लेके बैठे और इन बेसिक चीजों को आप लिखें। और बेसिक चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि ई डॉट जी किसके लिए स्टैंड करता है। उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि ई डॉट जी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, लिटिल जैक सैट इन अ कॉर्नर, लिटिल जैक किनारे पर बैठा हुआ, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। उसके बाद है काइंड ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर फोर काइंड ऑफ सेंटेंसेस। नंबर वन, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। नंबर टू, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर थ्री, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। एंड नंबर फोर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कोई चीज बयान करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई ऐलान करते हैं। A sentence which makes a statement or assertion is called declarative or assertive sentence. वो sentence जिसमें ऐलान किया जा रहा हो या कोई statement दी जा रही हो, उसको declarative or assertive sentence कहते हैं। For example, Humpty Dumpty sat on. Humpty Dumpty दीवार पर बैठा हुआ है, किसी का नाम हो। Interrogative sentences. Interrogative sentences सवालिया जुमलों को कहते हैं। वो जुमले जिनमें सवाल पूछा जा रहा हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. वो सेंटेंस कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, सवाल पूछा जा रहा हो, तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब ये जो क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के आखिर में लाजमी होता है लगाना। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने लिखा पेपर में और आपने इस क्वेश्चन मार्क को नहीं डाला,
तो एग्जामिनर आपके मार्क काट लेगा। उसके बाद है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कमांड दी जाती है या गुजारिश की जाती है या रिक्वेस्ट की जाती है, उन सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, हुक्म, आर एन एंट्रीटी, गुजारिश, आर रिक्वेस्ट या इल्तिजा, इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंसेस। उनको इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव मर्सी अपॉन अस, और कमांड ये होगी कि कम हियर, सिट डाउन, इस तरीके से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस नंबर फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कि जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग जाहिर करे, स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताए, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। दो तरह की फीलिंग्स होती हैं, या तो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं या हम बहुत ज्यादा गमगीन होते हैं। जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं या हम बहुत ज्यादा गमगीन होते हैं या हम हैरान होते हैं या किसी भी किस्म की फीलिंग है, जब भी वो हम एक्सप्रेस करेंगे हम और उन जुमलों को कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ कोल्ड नाइट इज, कितनी सर्द रात है, व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। ये जो एक लंबी सी लाइन लगी है और नीचे एक डॉट है, इसको कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। जब भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लिखेंगे उसके आखिर में आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन डालेंगे। हमारा चैप्टर वन कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर टू की तरफ आते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये जो पोर्शन है ये बुक का नहीं है, मैंने खुद से बनाया है ताकि आपको कुछ चीजें समझाने के लिए। ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है, हैरी इज वॉचिंग अ मूवी, हैरी एक फिल्म देख रहा। अब यहां पे हैरी जो है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो चीज होती है जो काम करने वाला होता है, कोई भी काम करने वाला, वो कुछ भी हो सकता है। जो काम करता है वो कोई भी हो सकता है, वो कोई इंसान हो सकता है, वो कोई जानवर हो सकता है, वो कोई और चीज हो सकती है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। इज हेल्पिंग वर्ब, ये भी आपको इसलिए नहीं बताऊंगा, आगे जाके पूरा इसका चैप्टर आएगा। और वॉच वर्ब, इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको इन शॉर्ट बताता चलूं कि वर्ब एक्शन को कहते हैं। सुबह से शाम तक हम बहुत से एक्शन करते हैं, हम हंसते हैं, खेलते हैं, देखते हैं, गुस्सा करते हैं, और भी बहुत से एक्शन करते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, सफाई करते हैं, जितने भी एक्शन हैं उनको वर्ब्स कहते हैं। और मूवी ऑब्जेक्ट, अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या चीज है। मूवी है, एक वो है जो काम करने वाला है और एक वो है जिसपे काम हो रहा है। जो काम करने वाला है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, हैरी, और जो जिसपे काम हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट हैरी है और ऑब्जेक्ट मूवी है। When we make a sentence, number one, we name some person or thing. जब कभी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम किसी शख्स या चीज का नाम लेते हैं। नंबर टू, वी कैन से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। दूसरी चीज क्या होती है, हम उस बंदे या उस चीज के बारे में कुछ कहते हैं। सबसे पहले तो उस बंदे का नाम होता है या उस चीज का नाम होता है या उस चीज या उस बंदे और उस या वो बंदा या वो चीज जो काम करने जा रहे हैं वो होता है। In other words, we must have a subject to speak about. Very good. Tells something about subject. कह रहा है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और प्रेडिकेट होना चाहिए जो सब्जेक्ट के बारे में बात करे। अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, नंबर वन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, व्हिच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिस बंदे या चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, या प्रेडिकेट, व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में हमको बताए। फॉर एग्जाम्पल,
The boy stood unburning. एक लड़का जो है वो चलते हुए तख्ते पर खड़ा है। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? The boy stood on the burning deck. Stood on the burning deck. The predicate है। आप कुछ लम्हे के लिए सपोज करें कि बॉय है ही नहीं इस जुमले में, इस सेंटेंस में द बॉय है ही नहीं, तो पीछे बच जाएगा स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। आप सपोज कर लें कि बॉय है ही नहीं, पीछे बच जाएगा स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। क्या स्टूड ऑन द बर्निंग डेक कंप्लीट मीनिंग्स कन्वे कर रहा है? बिल्कुल नहीं। इसलिए इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं कि प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बिना अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है। तो प्रेडिकेट कब कंप्लीट होता है? जब उसके साथ सब्जेक्ट लग जाएगा। अब ये पूरा सेंटेंस है, अब एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, लेकिन अगर सब्जेक्ट हटा देंगे तो प्रेडिकेट वाले वो जो है ये जो लाइन है, ये वो जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट रहेगा। सो द बॉय क्या है? सब्जेक्ट है, और स्टूड ऑन द बर्निंग डेक प्रेडिकेट है। अच्छा, अब क्या होता है कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम्स सब्जेक्ट शुरू में आता है, जैसे कि द बॉय, ऊपर आया था हैरी, लेकिन यहां पर नीचे देखिए सब्जेक्ट आफ्टर सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, पहले आते हैं, बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। लेकिन बाज़ोकात कभी कभी प्रेडिकेट के बाद भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स द बस, कौन सी चीज आ रही है? बस आ रही है। कौन सी चीज आ रही है? बस आ रही है। सो यहाँ पे बस सब्जेक्ट है लेकिन बाद में आया। सो आपने देखना है कि काम कौन कर रहा है, चाहे वो पहले आए या वो बाद आए, उसकी कोई प्रॉब्लम। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इस जुमले का मतलब ये, एक वर्ब है, इस जुमले का मतलब ये है कि आपको हमेशा बुराई में से भी अच्छाई निकालनी चाहिए, बुरी सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, उसके भी पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं, होते हैं। इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऊपर आपको बताया था, जो हुक्मिया जुमले होते हैं, सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, वहां पर सब्जेक्ट लेफ्ट आउट होता है। अब मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज गिव मी वाटर, मेहरबानी करके मुझे पानी दो। अब वहां पर मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और एक चीज श्योर है कि मैं किसी ना किसी बंदे से तो बात कर रहा हूं, इसलिए मुझे वहां पर सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। या मैं कहता हूं कि गेट लॉस्ट, तो वो जो मैं गेट लॉस्ट कह रहा हूं, ये फॉर श्योर है कि मैं किसी ना किसी को कह रहा हूं कि यहां से चले जाओ, तो वहां पर सब्जेक्ट लगाना लाजमी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सिट डाउन, यहां पर है सिट डाउन, बैठ जाओ, तो यहां पे सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, ये अंडरस्टूड है कि मैं किसी ना किसी को कह रहा हूं कि हे यू सिट डाउन, ठीक है। थैंक हिम, अब ये भी अंडरस्टूड है, मैं किसी से कह रहा हूं कि उसका शुक्रिया अदा करो, थैंक हिम। हियर टू सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। हमारा पहला चैप्टर, हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर वन, एक्सरसाइज नंबर वन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, जिसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से प्रेडिकेट्स हैं। नंबर वन है द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड हिम, ये भी प्रोवर्ब है, इसका मतलब गूज कहते हैं हंस को, हंस एक परिंदा होता है, और इसकी हिस्ट्री कुछ यू है कि जो गूज होते हैं ना, उनकी जो सुनने की हिस होती है, सेंस ऑफ हियरिंग, वो बहुत कमाल की, तो रूम के जो बादशाह ने ना उनको एज अ रडार यूज किया हुआ था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि रात को दुश्मन की फौज ने अटैक कर दिया रूम पे, तो ये जो गीज थे इन्होंने कैकल करना शुरू कर दिया, इन्होंने टटराना शुरू कर दिया, तो वहां से ये मशहूर हो गया द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रूम, कि वो टटरा रहे थे हंस और इस तरीके से वो जाग गए और उन्होंने दुश्मन के अटैक को नाकाम बना दिया। अब यहाँ पे कैकलिंग ऑफ गीज सब्जेक्ट है, कैकलिंग ऑफ गीज क्या चीज है? सब्जेक्ट है,
saved room predicate. Sentence number one ho gaya. Sentence number two. The boy stood on the burning deck. Boy subject hai. Stood on the burning deck. Predicate hai. Boy stood on the burning deck ka matlab hai. Ek ladka jo ke jalte hue takhte pe khada hai. Tubal Cain was a man of might. Tubal Cain ek powerful aadmi tha. Was a man of might ka matlab hai ki wo powerful aadmi tha. Shaan wala aadmi tha. Aur isme Tubal Cain subject hai. Was a man of might. Ye predicate hai. Agar hum let's suppose ke hum Tubal Cain ko mita dete hain, khatam kar dete hain, to was a man of might. This sense nahi ban raha. Isliye predicate subject ke bina adhure hote hain. Is cheez ko aap zehen mein bitha le. Subject lazmi hota hai. अगर सब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. उसके बाद नंबर फोर सेंटेंस है स्टोन वॉल्स डू नॉट मूव. सिर्फ पत्थर की दीवारों से या थाने नहीं बनते. उसमें ऑफकोर्स बंदे होंगे तो वो क्या थाना कहलाएगी. सो स्टोन वॉल्स सब्जेक्ट है. डू नॉट मेक अ प्रिजन. सेंटेंस नंबर फाइव सिंगिंग ऑफ बर्ड्स. परिंदों का गाना या परिंदों का चहचहाना हमको महसूस करता है, हमको मुसर्रत देता है. सो सिंगिंग ऑफ बर्ड्स सब्जेक्ट है और डिलाइट अस प्रेडिकेट है. निस्केटी वॉज रूट. निस्केटी जो है वो एक दिन टेबल पे बहुत ज्यादा रूट. रूट का मतलब है कि सख्त लेजेंड में बात करता. So, Miss Kitty जो है वो सब्जेक्ट है और was rude at the table one day. Sentence number seven. He has a good memory. उसकी याददाश्त अच्छी है. यहाँ पे ही सब्जेक्ट है और has a good memory. Very good. Eight. Bad habits grow unconsciously. अब consciously और unconsciously क्या होता है? Consciously वो काम होता है जो हम इरादी तौर पे करते हैं, जिसका इरादा करते हैं, और अनकॉन्शियसली वो चीजें होती हैं जिनका हम इरादा नहीं करते, वो गैर इरादी तौर पर हो जाती है. सो बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली. कि जो हमारी बुरी आदतें होती हैं वो गैर इरादी तौर पे बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं. सो यहाँ पे बैड हैबिट्स बुरी आदतें सब्जेक्ट है और ग्रो अनकॉन्शियसली प्रेडिकेट है. नंबर नाइन. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. रिवॉल्व्स का मतलब होता है घूमना. The earth, earth जमीन को कहते हैं. The earth revolves around the sun. ये जो जमीन है वो सूरज के गिर घूमती है. तो सब्जेक्ट एक्शन कौन कर रहा है? अर्थ. और किसके गिर? सूरज के गिर. रिवॉल्व अराउंड द सन. ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है predicate. नंबर टेन. नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन. ये कुदरत जो है वो सबसे अच्छी तबीब है, सबसे अच्छी नॉलेज है. नेचर सब्जेक्ट है. इज द बेस्ट पोजिशन प्रेडिकेट. एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफी. फोनोग्राफी क्या होता है? फोनोग्राफी एक डिवाइस होती है, मैकेनिकल डिवाइस होती है, जो कि साउंड को रिकॉर्ड भी करती है और ये रिप्रोड्यूस भी करती है. तो सबसे पहले उन्होंने ईजाद की थी. और यहाँ पे एडिसन जो है ये सब्जेक्ट है. इन्वेंटेड फोनोग्राफी ये प्रेडिकेट है. सेंटेंस नंबर 12. सी हैथ मेनी थाउजेंड सेल्स. अब ये हैथ जो है ये एक पुराना लिटरेरी वर्ड है जिसका मतलब होता है एज और हैथ. ये एक पुराना वर्ड है जिसका मतलब होता हैज और हैव. द सी हैथ मेनी थाउजेंड सेंस. सी सब्जेक्ट है. हैथ मेनी थाउजेंड सेंस ये प्रेडिकेट. सेंटेंस नंबर 13. वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई. हम समुद्र को खुश्क नहीं कर सकते. वी सब्जेक्ट है. कैन नॉट पंप ओशन ड्राई प्रेडिकेट है. सेंटेंस नंबर 14 है के बारो गारमेंट्स नेवर फिट वेल. के जो
उधार लिए हुए कपड़े होते हैं वो हमको कभी फिट नहीं आते। बारोड गारमेंट्स, सब्जेक्ट है नेवर फिट वेल, प्रेडिकेट है, बारोड का मतलब है उधार लेना, गारमेंट्स कपड़ों को कहते हैं। नंबर 15, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, कि जो ये भी एक प्रोवर्ब है कि जो जल्दी उठता है वो पा लेता है। ये इसलिए कहा जाता है कि जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठना चाहिए, प्रोवर्ब है। अर्ली बर्ड्स, अर्ली बर्ड जो है वो सब्जेक्ट है, कैचेस द वर्म ये प्रेडिकेट है, वर्म वर्म कीड़े को कहते हैं और बर्ड परिंदे को कहते हैं। नंबर 16, ऑल मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल, वो चीज होती है जो तबाह नहीं हो सकती, ये जितने भी मैटर हैं, जितने भी मादा हैं, वो तबाह नहीं हो सकते। ऑल मैटर सब्जेक्ट है, इज इंडेस्ट्रक्टिबल प्रेडिकेट है। नंबर 7, इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद सब्जेक्ट है, इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान प्रेडिकेट है। नंबर 18, वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, ये कह रहा है यहाँ पे कि हमको अपने तजर्बे से फायदा हासिल करना चाहिए। सो वी सब्जेक्ट है, शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस प्रेडिकेट है। सेंटेंस नंबर 19, ऑल रोड्स लीड टू रूम, कि सारी सड़कें रूम को जाती हैं। ऑल रोड्स सब्जेक्ट है, लीड्स टू रूम प्रेडिकेट है। सेंटेंस नंबर 20, A guilty conscience needs no excuse. Conscience ज़मीर को कहते हैं कि जो एक guilty, जो एक गुनाहगार conscience होता है उसको कोई excuse नहीं चाहिए होता। A guilty conscience subject है, needs no excuse ये predicate है। Number 21, the beautiful rainbow soon faded away, कि जो एक खूबसूरत सी धनक थी, rainbow कहते हैं धनक को, बारिश के बाद जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो जो सात खूबसूरत सी लाइनें बन जाती हैं, ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, वो गायब हो गए। सो ब्यूटीफुल रेनबो, रेनबो सब्जेक्ट है, वो फेडेड अवे प्रेडिकेट। नंबर 22, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, कि ये भी प्रोवर्ब है कि कोई एक बंदा एक से ज्यादा मास्टर्स को, एक से ज्यादा आकाओं को सर्व नहीं कर सकता, उनके इताअत नहीं कर सकता। नो मैन सब्जेक्ट है, can serve to masters predicate है। नंबर 23, a sick room should be well cared, इसका ये मतलब है, ये भी प्रोवर्ब है, जिस कमरे में एक बीमार होता है या एक पेशेंट पड़ा होता है उसको वेल एयर्ड होना चाहिए ताकि उसको हवा वगैरह लगती रहे और वो तंग ना। 24, ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, ड्यू ड्रॉप्स ओस के कतरे होते हैं, बारिश होती है घास पे तो ओस के कतरे बन जाते हैं, ग्लिटर इन द ग्लिटर इन द सनशाइन, ग्लिटर कहते हैं चमकना, के जो ओस के कतरे होते हैं वो जब सूरज होता है तो उसमें चमक रहे होते हैं। सेंटेंस नंबर 25, आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, कि मैंने हवा में एक तीर मारा, तो आई सब्जेक्ट है, शॉट एन एरो इनटू एयर ये प्रेडिकेट है। सेंटेंस नंबर 26, अ बार्किंग साउंड शेफर्ड हियर्स, अब यहां पे द शेफर्ड ये सब्जेक्ट है, शेफर्ड कहते हैं जो बकरियां चराने वाला होता है, और बार्किंग साउंड्स, बार्किंग कहते हैं वो जब कुत्ते भौंकते हैं तो उसको बार्क कहते हैं, बार्किंग साउंड्स शेफर्ड हियर्स, तो शेफर्ड सब्जेक्ट है और बार्किंग साउंड सब प्रेडिकेट है। सो उसके बाद 27, द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, हर्मिट एक परहेजगार को कहते हैं जो कि तन्हाई पसंद होता है और वहां पर इबादत करता है, हिल पहाड़ की चोटी को कहते हैं, के एक पहाड़ की चोटी पे एक परहेजगार इंसान है। द हर्मिट सब्जेक्ट है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल
मेडिकेयर है। हमारे पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका लॉन्ग विद एक्सरसाइज नंबर 1, और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको सुने और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आई होप सो के सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और आज जो जो भी आपको करवाया वो आपको याद रहेगा। और बहुत जल्द हाजिर होऊंगा सेकंड लेक्चर के साथ, और जाने से पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे सभी लेक्चर्स मिलते रहे। स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।